अस्सलामुअलैकुम, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बालूशाही। दिवाली आ रही है तो इस दिवाली पे मैं ये मीठे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने लिए हैं ये 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसे मैंने छान कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे मैंने थोड़ा नमक लिया है, इससे टेस्ट अच्छे आते हैं। 1 पिंच नमक ले लेना। यहाँ पर मैंने लिया है ये बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिए मैंने। यहाँ पे मैंने घी लिया है, ये 1/4 कप घी है और ये 1/4 कप हमें पानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये नमक इसके अंदर डालेंगे, ये बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा। पहले अब हम इसके अंदर ये घी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा मिक्स कर लिया है। ये जब हम ऐसे करेंगे तो ये देखो, तो हमारा ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे, हमें रोटी के जैसा आटा गूंदना नहीं है, थोड़ा हमें आटा, मैं आपको बताती हूँ कैसा गूंदना है। जिसमें मैंने घी लिया था उसी में मैंने पानी डाला है। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे। ये देखिए हमें ऐसा आटा गूंदना है, पूरा हमें रोटी के जैसा नहीं करना है। ये देखिए हमारा ऐसा आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक करके साइड में रख लेंगे। अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी, जिस भी बर्तन में आपको शुगर सिरप बनाना होगा उसमें आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चीनी ली है, ये चीनी हम इसमें डाल देंगे। मीठा आप आपके हिसाब से ले लेना, जितनी चीनी है उससे आधा हमें पानी लेना है। तो मैंने 1/2 कप पानी लिया है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले हम इसे मेल्ट होने देंगे। देखिए चीनी हमारी पूरी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ये मैंने केसर, आपको जो भी कलर डालना है वो डाल सकते हो। ये मैंने ये वाला कलर लिया है, केसर येलो, और इलायची पाउडर ली है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। कुछ केसर के धागे लिए हैं वो डाल देंगे, ऑप्शनल है, आपके पास हो गए तो डालना, नहीं तो फिर स्किप कर देना। देखिए इलायची पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाली है। अब हमें 1 टीस्पून देखिए नींबू का जूस डालना है, ताकि हमारे बालूशाही पे वो जो चीनी लगती है ना ऊपर क्रिस्टलाइज, वो नहीं होता, वो वाइट वाइट जो बालूशाही पे रहता है वो नींबू के जूस से नहीं रहता है, इसलिए हम थोड़ा नींबू का जूस इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए हमें चेक करना है, ये हमने थोड़ा ले लिया, ये देखिए ये थोड़ा चिपचिपा हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होने के बाद और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और हमें बालूशाही बना लेते हैं। इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रखा है, तेल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम ये बना लेंगे। इसको मैं थोड़ा हाथ पे घी लगा लेती हूँ और ये थोड़ा ले लेती हूँ। आपको जितना चाहिए पेड़ा उतना आप ले सकते हो, और इसे थोड़ा हम दबा लेंगे। और आपके पास ऐसे वाली स्टिक हो वो भी आप ले सकते हो, या आप बेलन होगा तो बेलन से भी कर सकते हो, या आप इसे उंगली से भी थोड़ा इसे होल कर सकते हो।
ये देखिए, आप इसे उंगली से भी कर सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना आप पेड़ा ले लेना। ये देखिए, अब मैं इसे साइड में रख लेती हूँ और एक बता देती हूँ आपको। अब मैं इससे कर लेती हूँ, स्टिक से। ये देखिए, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। अब मैं इसे पूरे बना लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरे बना लिए हैं, ये मेरे 13 बन गए हैं। 13 से 14 आराम से बन जाते हैं, छोटे छोटे बनाएंगे तो और ज़्यादा बन जाएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए हमें ऐसे ही रखने हैं। ये देखिए, ऐसे ही हमें रखने हैं, टेढ़े मेढ़े थोड़े, पूरा शेप हमें नहीं देना है इसे। यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हुआ है, मैं अब इसके अंदर इसे डाल देती हूँ। और आँच हमें धीमी ही रखनी है, हाई पे हमें इसे नहीं सेकना, क्योंकि अंदर इसके फिर बाहर से अच्छा हो जाएगा और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। ये देखिए, धीमी आँच में हमें इसे सेक लेना है। ये देखिए, अब हमें इसे पलट लेना है। धीमी आँच, थोड़ा टाइम लग जाता है पर धीमी आँच में ही हमें इसे करना है, नहीं तो गड़बड़ है, तो हम फास्ट में कर लेंगे तो फिर अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। ऐसे ही हमें अल्टी पल्टी कर कर इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना है। ये देखिए, मैंने घड़ी घड़ी इसे अल्टी पल्टी किया है, मुझे 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, ऐसे चाहिए हमें। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इसे मैंने निकाल लिए हैं, मैं अब ये बचे हुए हैं अभी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, और ये हमारा शुगर सिरप, आप देख सकते हो ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब मैं क्या कर लूँगी, ये इसके अंदर डालूँगी और इसे थोड़ा इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके अंदर ये शुगर सिरप पूरा डाल के थोड़े देर इसे रख सकते हो, तब तक हमारे यहाँ के फ्राई हो रहे हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ये देखिए, मैंने डाल दिए। अब हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा इसके अंदर रख देंगे, इसे थोड़ा पलट लेंगे। ये देखिए, आपको ज़्यादा शुगर सिरप बनाना होगा तो आप ज़्यादा भी बना कर रख सकते हो, अगर आपको ये गीला गीला पसंद हो तो ज़्यादा। ये देखिए, अब हम थोड़ी देर इसके अंदर ही इसे रख लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरे इसके अंदर डाल दिए और थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर नीचे भी इसे किया है, ताकि ये शुगर सिरप हर इसमें लग जाए। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसे पहले हम 10 मिनट ऐसे ही रख देंगे, फिर मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। 10 मिनट हो गए हैं, मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। को जितना देर रखना चाहते हो आप उतना देर इसे रख सकते हो। ये देखिए, मैंने पूरा निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ है ये हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। अगर आपको नहीं डालना तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हो। पर ये जितना अंदर इसके चीनी, ये शुगर सिरप जाएगा, उतना इसको टेस्ट अच्छी आएगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा ये
ये ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो। मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ, ये देखिए, ये देखिए पूरा अंदर से अच्छा हो गया है। मैं अभी इसे टेस्ट करती हूँ, बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं, आप भी ज़रूर इसे ट्राई कर लेना। अंदर से भी पूरे हो गए हैं, अच्छे से सीख गए हैं, कच्चे वगैरह कुछ भी नहीं है। आप भी ज़रूर इसे बनाना और मुझे कमेंट में बताना कि टेस्ट में कैसे लग रहे हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।